हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं एमपीएस में 004 का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और एमपीएस 004 में उन सभी का एग्जाम या तो 3 सितंबर को है या फिर वो फॉर फर्दर जो है बहुदलीय व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले हम एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था को पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपसे क्वेश्चन दो चीजों को एक साथ मिला के पूछता है, या तो आपसे पूछेगा एक दलीय व्यवस्था की और बहुदलीय व्यवस्था की क्या गुण और क्या दोष है आपसे, या फिर पूछेगा दो दल व्यवस्था और बहुदल व्यवस्था में क्या गुण और दोष है इसका वर्णन करें। तो नाउ यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था को हम अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। और आपसे अगर कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अलग अलग वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुदलीय प्रणाली की बात करें तो ये देश में कई राजनीतिक ऐसे देश में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, जैसे भारत के अंदर है। ये ऐसे देश में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है जहां पर दो से अधिक राजनीतिक पार्टी को जो या तो शासन में नियंत्रण करने का मौका मिलता है, पहली बात, या तो शासन में नियंत्रण करने का या भागीदारी निभाने का मौका मिलता है, पहली बात ये। और दूसरी बात आप सभी को याद रखना है कि बहुदलीय व्यवस्था वो होती है जिस देश में एक से ज्यादा पार्टी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको सामने एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ब्रिटेन में कई सारी पार्टियां हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों से, अगर हम लगभग 100 वर्ष से देखेंगे, तो वहां पर या तो लेबर पार्टी या फिर कंजर्वेटिव पार्टी, सिर्फ उन दो पार्टी को नियंत्रण रखता है। तो वहां पर दो दलीय व्यवस्था औपचारिक रूप से तो नहीं, बट अनौपचारिक रूप से हो गई है। लेकिन भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर एक दल नहीं बल्कि एक से ज्यादा दल है, और सभी दल की बात करें तो लगभग शक्ति बराबर होती है, यानी सभी दल को बराबर स्थिति प्राप्त होती है। बस ये होता है कि कुछ राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की सरकारों में उन पार्टियों का कुछ ना कुछ रोल होता है। और दूसरा, कुछ ऐसी पार्टियां होती है जो क्षेत्रीय स्तर की होती है, जिनका किसी एक निश्चित क्षेत्र पर अपना प्रभाव होता है। किसी भी दल को संसद या विधानमंडल में इतना बहुमत नहीं मिल पाता कि वह सरकार बना सके, यानी बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसे समय में संयुक्त मंत्रिमंडल, यानी क्या जो आपकी गठबंधन की सरकार है वहां पर ऐसी सरकार बनती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, फ्रांस में लगभग एक दर्जन राजनीतिक दल है, इटली में कम से कम 8 बड़े दल हैं, स्वीडन में बात करें तो 4-4 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, स्विट्जरलैंड में बात करें तो एक छोटा सा गणराज्य जिसकी आबादी 80 लाख से भी कम है, बट वहां पर भी 8 बड़े राजनीतिक दल है। 8 बड़े राजनीतिक दल होने की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में 750 से भी अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं। भारत में कितनी, 750 से भी अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं। इसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, स्थानीय पार्टियां भी हैं और राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को 6 पार्टियों को दर्जा प्राप्त है। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, स्थानीय पार्टी जो जो पंचायत में होती है, क्षेत्रीय पार्टी जो राज्य स्तर पे मुख्य भूमिका निभाती है, जैसे आम आदमी पार्टी, डीएमके के बाद में आप लोगों का टीएमसी, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। और 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में भारत में गठबंधन की सरकार बनी। भारत में पहली ये ऐसी थी जो बहुदलीय सरकार बनी, और ये वामपंथी दलों को बाहर रखने से हुई थी। यहाँ पर दक्षिणपंथी सभी पार्टियों ने मिलकर बनाया था। 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए, और एक बार फिर अल्पमत की, यानी लोकतंत्र जो है उसके अंदर किसी भी पार्टी को विशेष बहुमत या साधारण बहुमत भी नहीं मिला, और फिर गठबंधन की। तो ध्यान रखना आपको, 1989 से मई 2014 तक क्या है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, लेकिन मई 2014 में जो है नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिलता है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछेगा कि बहुदलीय प्रणाली की क्या गुण है और क्या दोष है, क्या कमियां हैं और क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। तो दो दलीय पार्टी, जैसे एक एक चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे दो दल पार्टी या बहुदल पार्टी या फिर हम कहें तो सिंगल पार्टी, सबकी कुछ गुण और कुछ उसकी हानियां होती है, ऐसी इसकी भी बात करेंगे। तो प्रथम, सरकार में मंत्रिपरिषद जो है निरंकुश नहीं बन सकती। ध्यान रखना है, जहां पर भी बहुदलीय व्यवस्था होती है, जो सबसे फायदा यह है कि मंत्रिमंडल कभी निरंकुश नहीं बन सकती, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर शासन को संभालती है। अगर वो अपनी मनमानी कोई भी राजनीतिक पार्टी करती है तो दूसरी राजनीतिक पार्टी कहती है अगर आप मनमानी करोगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, और ये सरकार कई बार कैसे हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। कभी कभी जो है ये अपनी स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से अच्छे कार्य भी नहीं कर पाती, और प्रधानमंत्री की सहयोग, प्रधानमंत्री को क्या होता है, सहयोगी पार्टियों के नखरे उठाने पड़ते हैं, सहयोगी पार्टियों से क्या करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, सहमति लेनी पड़ती है, और इसके बाद ही क्या कर पाते हैं, इसके बाद ही ये निर्णय ले पाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं हो पाता, या फिर मंत्रिपरिषद पूरी निरंकुश नहीं हो पाती। दूसरा फायदा यह है कि सैद्धांतिक रूप से बहुदलीय प्रणाली में
ज्यादा लोकतांत्रिक होती है उसमें, क्योंकि समाज के ज्यादातर लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर पाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कि काफी भिन्नता वाला देश है। भारत कैसा देश है? काफी भिन्नता वाला देश है, और भिन्नता वाला देश होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से कहेंगे भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल या अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होने की वजह से यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है वो इतना ज्यादा लोगों को जो है वो नहीं मिल पाता। क्यों? आप सभी को ध्यान रखना है, इसके एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप ये कह सकते हो कि जनता अपना बहुमत भी नहीं ला पाती बहुदल होने की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कमरे में 100 लोग हैं, वो सभी के सभी अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं, ठीक है। कोई अपने नेताओं को चुनता है तो 15% लोग चुन पाते हैं, 20% लोग चुन पाते हैं, 30% चुन पाते हैं, फिर 25% चुन पाते हैं, और इसके बाद में फिर 25% किसी को चुन पाते हैं। तो आपने देखा 50 यानी बहुमत जो है किसी को भी आधा तक तो कोई डाटा पहुंचा ही नहीं। तो कई बार बहुमत स्थापित करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख जाती है हम लोगों को। इसके बाद में हम बात करेंगे और भी बाद हम बात करेंगे और भी चिंता ना करो आप। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे कैसे हैं कि मजदूर और भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले होते हैं, और वो भारत जो है काफी विविधता वाला देश है, और विविधता वाला देश होने की वजह से भारत में हम क्या देखते हैं, सिर्फ दो बड़े ही दल नहीं रह सकते, बल्कि इसमें कई सारे राजनीतिक दल हैं। और बड़े राजनीतिक दल होने का मतलब है कि वो ज्यादा जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, मिलीजुली सरकार में संघीय ढांचा प्रतिबिंब किया गया है। संघीय ढांचा का मतलब शक्ति जो है वो अधिक से अधिक लोगों को बंटवारा हो सके, इसको दिया गया है कि नियंत्रणकारी पद जो है कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे और कुछ ही लोग उसका लाभ ना ले पाए। आप सभी को ध्यान रखना है, सभी लोग उसका लाभ ले। चौथी बात करें तो बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत दो परस्पर गुट जो है नहीं बंटते। जैसे दो दल में होता है, दो गुट बन जाते हैं। आप अच्छा काम करोगे, आप अच्छा काम नहीं करोगे तो अगली बार इसको ही चुना जाएगा, परंतु अगर ये भी अच्छा काम नहीं करेगा तो किसको चुना जाएगा, फिर मजबूरन इसको चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो दलीय व्यवस्था में लिमिटेड होती है हमारे पास में ऑप्शन, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये गुण की बात हो गई, अब हम दोष के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बहुदल प्रणाली में कई सारी डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले सरकारें जो है, सरकारों का निर्माण काफी कठिनाइयों से होता है, क्योंकि बहुमत नहीं मिल पाता किसी भी पार्टी को, और बहुमत ना मिलने की वजह से क्या है कि संसद में किसी भी सरकार को बनाना कठिन हो जाता है, बहुमत पाना मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी नेता ने अगर अच्छे से काम नहीं किया, कोई मंत्रिमंडल में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो उसे प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से ना तो चुन पाता है और ना ही उसे निकाल पाता है। क्योंकि अगर निकालने की बात चलती है तो वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम आपकी राजनीतिक पार्टी को छोड़ देंगे, हम गठबंधन तोड़ लेंगे। और जो नेता होते हैं वो नेता सारे क्या करते हैं कि मजबूरन कहीं ना कहीं अपना सहयोग दे रहे होते हैं। इसके अलावा गठबंधन में शामिल अपने दल पसंदीदा मंत्रालय पाने के लिए प्रधानमंत्री पर बराबर दबाव डालते रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मार्च 2012 में तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की जिद की वजह से उन्हें मंत्री पद से क्या होना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। ध्यान रखना आप सभी को। तो कई बारी जो मंत्री होते हैं वो कई बारी इसके अलावा जो है कमजोर प्रधानमंत्री जो है वो अपनी इच्छा से कई बारी जो अपने हिसाब के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को भी वो चुन नहीं पाता, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा कमजोर सरकारें जो होती हैं वो राजनीतिक गतिविधियों कमजोर सरकारें राजनीतिक गतिविधियों और व्यक्तियों को अलग अलग कार्यक्रम करने में विश्वास रखती है। यानी जो कमजोर सरकारें होंगी एक तो, और राजनीतिक गतिरोध होता है, जैसे कई राजनीतिक पार्टी मिलकर कोई सरकार बनाती है तो सभी राजनीतिक पार्टी की अलग अलग सोच होती है, कुछ और सोचती है, कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। सभी राजनीतिक दल जो है वो क्या करते हैं, कुछ और सोचते हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि इनमें कभी भी आम सहमति नहीं हो पाती है, ठीक है। वाद विवाद काफी लंबे चलते रहते हैं, अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, और परिणाम ये निकलता है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कई बार इनकी सरकारें भी गिर जाती है, ये आप सभी को ध्यान रखना। इसके बाद में अस्थिर यानी अल्पकालीन सरकारें, बहुत बार हमने देखा, अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए वीपी सिंह की सरकार कब बनी, 1989 में, लेकिन 1991 में फिर सरकार गिर गई। 1991 में कौन सरकार में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो है अपना पूरा कार्यकाल कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद में फिर गठबंधन की सरकार आई। तो कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको इस एग्जाम्पल को छोड़ दें तो 1977 में गठबंधन की पहली सरकार बनी, लेकिन ये अपने कार्यकाल को पूरा करे बगैर ही 3 सालों के अंदर ही ध्वस्त हो गई। तो हम कई बार देखते हैं कि ये अपने कार्यकाल को भी नहीं पूरा कर पाती, और ये अल्पकालीन सरकार होती है। 1945 से 55 से 56 में फ्रांस में 21 मंत्रिमंडलों का उलटफेर हो चुका था, जिसका अर्थ ये होता है कि इन सरकारों की औसतन आयु 6 महीने से भी कम थी। सरकारें इतनी कम ज्यादा टिकी। भारत की भी बात कर लेते हैं तो 1996 में 11वीं लोकसभा जो है केवल 1.5 वर्षों तक ही अपनी अवधि कर पाई, और इसके बाद फिर इलेक्शन हुए 1.5 वर्षों तक ही। इसके बाद में आगे तुम देखोगे कि 23 मार्च 1998 से
13 महीने तक की सरकार रही। तो हम देखते हैं कि कई बार अपना जो है कार्यकाल है वो कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाती 5 वर्षों का। सशक्त विपक्ष का अभाव, कई बार जो होता है विपक्ष मजबूत नहीं हो पाता। विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कई राजनीतिक दल जो होते हैं वो गठजोड़ करके सरकार बनाते हैं, और गठजोड़ करके जब सभी राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम निकल के हमें क्या दिखती है कि भाई विपक्ष में कोई और कमजोर ताकतवर पार्टी बसती नहीं, और कमजोर पार्टी बसती है तो वो अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाती, विपक्ष की भूमिका को नहीं निभा पाती। आप सभी को याद रखना, कई बार इनमें अनुशासनहीनता होती है। क्योंकि अनुशासनहीनता क्यों होती है, क्योंकि कई बार दल बदल की भूमिका। 1968 में आपने आयाराम गयाराम के बारे में सुना होगा, जिसमें गयालाल थे वो हरियाणा में जो है यूनाइटेड नाम की पार्टी थी उसके क्या थे, नेता थे, और उन्होंने 1967 के चुनाव में लगभग आप देखोगे तो कितनी बड़ी सरकार बहुत बार उन्होंने अपनी पार्टियों को चेंज कर दिया। 1979 में मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल का पतन हुआ, और उसका रीजन भी यही था कि सरकार के जो नेता थे वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं थे, उन्हें कहीं और अच्छे अवसर मिलते थे तो वो दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं जो एक के बारे में ही है। आपके पेपर में अगर एक के बारे में भी पूछा जाएगा तो ये बहुत मैंने बता दिया। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड बाय द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जै